ये देखो ये जो इसके पास ये जो बेटा इसने इसके पास है, आपकी कितनी बेटियां थी? मेरे यहाँ 6 बेटियां थी। छह बेटियां थी। और सातवां जब बच्चा होने वाला था, है ना, तो इन्हें ऐसा लगा कि ये बेटी है। बोलो क्या है, ये भी बेटी। और वो प्रेग्नेंट किट होती है ना जो बच्चे को डिस्ट्रॉय करते हैं, जिसे तब कितना टाइम था, ये 4 महीने से। 4 मंथ थे, 4 महीने का समय था जब प्रेग्नेंट किट इन्होंने बच्चे को डिस्ट्रॉय करने के लिए खा ली, क्योंकि इन्हें लगा कि अभी ऐसा लगा कि ये भी बेटी है। उसके लक्षण होते हैं ना जैसे बच्चे के, तो इन्होंने प्रेग्नेंट किट खा ली। और प्रेग्नेंट किट खाई क्योंकि ये बेटी है, उनका चलो खत्म करो। पर जब इन्हें शुभ समाचार मिला, यीशु के बारे पता चला, तो तब ये यहां पे आए और मैंने पूछा क्या चाहिए आपको, क्या प्रॉब्लम होगी? कहते मेरी 6 बेटियां हैं, मुझे बेटा चाहिए। तो मैंने कहा हाँ मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इन्होंने जब प्रॉब्लम बताई ना कि मुझे 4 मंथ हो गए, 4 महीने का मेरा टाइम है और मैंने प्रेग्नेंट किट खाई है बच्चे को डिस्ट्रॉय करने के लिए, खत्म करने के लिए, तो फिर मैंने कहा तुम्हें विश्वास है? मैंने कहा विश्वास है आपको, अगर आप विश्वास करोगे तो परमेश्वर उससे भी अच्छा कर सकता है। देखो जिसने प्रेग्नेंट किट खाई हो, और देखो ये वो ही बेटा है जब इन्होंने जब जे इनकी कुख में था, इनके गर्भ में था, तो इन्होंने प्रेग्नेंट किट खा ली कि ये बेटी है और उसके उसे खत्म करने के लिए। और जब इन्होंने वचन सुना, यीशु मसीह पर विश्वास किया, कौन हमारे पापों के लिए मारा गया, और तब ये देखो बेटा ये भला चंगा मैं पूरा स्वस्थ पैदा हुआ, कोई इसके अंग पर कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि वो किट खाने से बच्चे के शरीर पर असर होता, और ये बेटा और इसमें कोई असर नहीं। देखो कितना, इसका फेस दिखाओ थोड़ा सा, देखो हाँ देखो। और सुनो, आज आपको कितना टाइम होगा प्रभु की हजूरी में आई? 1.5 साल हो चुके। 1.5 साल? नहीं, 1.5 साल तो हो गया। मीटिंग में आए हुए कितने दिन हो, कितने कितना समय हो गया? एक भी ना हो गया ही नहीं। 1 महीना हो गया। देखो आए ये, और क्या हुआ ये बच्चे, मुझे मुझे पता नहीं चलता। कई लोगों का ये टीम बच्चे मुझे बता रहे थे कि उन्होंने ऐसे, जब मैं पूछता हूँ उनसे बात करता हूँ, तो उन्होंने कहा कि उनका कॉल आई थी और वो प्रेयर के लिए बोल रहे थे। मैंने कहा अच्छा, मुझे भी याद है, अच्छा वो हाँ समझ आ रही है। और ये कब इन्होंने परमेश्वर को याद किया? जब इन इस बेटे पर हालात आया, समझ नहीं ना आ रही। वचन लिखा चौकस रहो, शैतान सी के समान तुम्हें फाड़ने को तैयार है। उसने कहा जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। इन्हें समझ नहीं है, कोई नुकसान करेगा फिर पता चलेगा। देखो परमेश्वर भला है, फिर भी उसने काम किया। पर लोग अनुग्रह को नहीं समझते, परमेश्वर के उपकार को नहीं समझ, जिसने ऐसा प्रेम किया। हाँ आज से दोबारा कभी ना ऐसा करना। हाँ पापा जी ऐसी गलती नहीं मुड़के होगी। बस ये ऐसे ही हो जाता है। जब देखो आपके जीवन पर खुदा ने इतना बड़ा उपकार किया ना, इस दुनिया में ऐसी कोई चीज कोई नहीं कर सकता। हाँ कर सकता था, वो भी आपने किट खाई और खुदा ने आपको इतना अच्छा सुंदर और स्वस्थ बेटा दिया। हाँ पर लोग अनुग्रह को समझ नहीं रहे, इसलिए समझो ठीक है, दोबारा से आइंदा ये गलती मत करना। हाँ क्योंकि शैतान वो घात लगाकर बैठा है। क्यों लिखा है? परमेश्वर का वचन उपदेश समझाना और सुधारना धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और मसीह की दे उन्नति। अगर हम समझाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं, तो फिर शैतान नुकसान कर देगा, फिर नुकसान होगा, फिर आप बैकस्लाइड हो गए, आपको लगेगा प्रभु ने मेरा नुकसान कर दिया। परमेश्वर नुकसान नहीं करता, वो तो आपको नुकसान होने से बचाता। पर खुद ही लोग क्या करते हैं? क्यों जकूब की पत्री में लिखा अभिलाषा गर्भवती होती और पाप को जनती और मृत्यु को पैदा करती। समझ आ रही है?
इसलिए किसके साथ जियो, किसके साथ जियो, ठीक है? ओके, परमेश्वर आपको आशीष दे।